सो हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, तो कैसे हो सारे लोग। तो गाइस जैसे कि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल एमुलेटर 0.16.0 गेम लूप वर्जन लैग फिक्स एंड, जो कि बहुत दिन के बाद जो ये वीडियो अपलोड करो लैग फिक्स के ऊपर बहुत लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं। एंड मैंने सोचा क्यों ना गाइस एक फिर से वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि पता है गाइस न्यू अपडेट आता है तो आपको पता ही है गाइस, न्यू लैग आता है, न्यू बग्स आते हैं, न्यू ग्लिच आते हैं। एंड उसके साथ ही साथ आपको पता है यार मैं न्यू वीडियो लाता हूँ, तो ऐसे ही ये न्यू अपडेट आ गया तो सोचा चलो हम जल्दी से वीडियो डाल देते हैं। तो मैंने कल से, कल अपडेट हो गया, परसों अपडेट आया था। एंड जो है कल से मैं जो है टेस्ट कर रहा हूँ अलग अलग सेटिंग से, एंड एक मेरे को सेटिंग मिल गई गाइज, तो एक बार हम उसको यूज़ करके देखते हैं। एंड मैं आपको जो है अच्छे से गेम प्ले भी बताऊंगा विथ प्रूफ। सो मेरी गाइज एक वीडियो से पहले एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्या है गाइज वीडियो बनाने के बाद जो लोग बहुत गालियाँ देते हैं कि भाई तेरे से लैग फिक्स नहीं होगा, मेरा पीसी में लैग हो रहा है, क्रैश हो रहा है, ये वो। तो गाइज देखो हर एक का पीसी अलग अलग रहता है, तो हर एक के पीसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये वीडियो जो है उनके लिए मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ गाइज, उनके पास 4 GB रैम, 8 GB रैम, 4 GB नहीं तो 8 GB रैम, नहीं तो एक जो है क्या बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड होना ही चाहिए कम से कम 2 GB या 4 GB वाले के लिए। तो पहले ही बता रहा हूँ गाइज, मैंने पहले ही रिक्वायरमेंट्स बताए ली, मैंने जो रिक्वायरमेंट्स बताए उनके लिए ये वीडियो है, बाकी लोगों के लिए मैं बाद में वीडियो लाऊंगा। हाँ बट आपको ऐसे लग रहा है गाइज कि यार मैं वो वीडियो नहीं बना सकता, मतलब ज़्यादा लो पीसी के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कीजिए, वहाँ पे मैं आपको जो है पर्सनली आपको बताऊंगा क्या करना है। ओके सो इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, crown.gamer_YT, जाइए जल्दी से फॉलो कर दीजिए गाइज, एंड वहाँ पर आपको डेली पोस्ट मिल जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा इंट्रो नहीं लेंगे, तो गाइज सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ गाइज कि अभी ना कुछ इशू चल रहा है, तो जो भी गाइज GFX टूल यूज़ कर रहा है तो GFX टूल फिलहाल तो मत यूज करना जब तक उन लोगों का जो न्यू अपडेट नहीं आता, न्यू अपडेट आने के बाद GFX टूल यूज़ करना, ठीक है। सो पहले ही बता रहा हूँ गाइज ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मतलब मैं 100% नहीं बोल सकता, बट इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यूज़ ना करें फिलहाल, तो जब तक 0.16 का GFX टूल का अपडेट नहीं आता, ठीक है। तो वो अपडेट हो जाएगा तो उसको यूज़ करना। तो हमको जो है सबसे पहले इंजन सेटिंग ओपन करना है, तो मैं जो है गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ, तो गाइज ध्यान से देखना, गाइज वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो इसको मैं जब बड़ा कर देता हूँ, अरे यार मैं आपको ये बता सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे जो गाइज मैं इंजन सेटिंग पहले बता रहा हूँ, तो इंजन सेटिंग देखो अभी डायरेक्ट एक्स प्लस रखा है मैंने, तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज, आपके पास मैंने बोला 4 GB और 8 GB रैम के लिए, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट मोड में जाना। ओके एंड जैसे आप स्मार्ट मोड पे जाते हो तो बाकी के जो है आपके जो जो अनटिक हो गए या टिक्स होंगे, एक या दूसरा कम होगा, तो सबको आपको टिक करके रखना है। एंड मैं जो है प्रायोरिटाइज डेडिकेटेड जो GPU है वो उनके लिए बता रहा हूँ जिसके पास GPU है, तो मैं ये GPU नॉन GPU वाले के तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो इसके लिए बोल रहा हूँ इसको टिक करके रखिए। एंटीएजिंग आपको क्लोज रखना है, आपकी मेमोरी जो ऑटो रखना है, प्रोसेसर आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब आपके ऊपर मतलब आपका प्रीसीज आपका जो प्रोसेसर है वो कितने कोर का है उसके ऊपर डिपेंड है। सो मेरा जो 2 कोर का पीछे मैंने 2 रख दिया। सो रिजोल्यूशन की बात आ गई, तो गाइज रिजोल्यूशन के आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो रखना है कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूँ गाइज मतलब मैं रिकमेंड करूँगा गाइज आप 1920x1080 करना, इसके वजह से जो है आपकी जो ग्राफिक्स क्लियरिटी होगी काफ़ी, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं ग्राफिक्स क्वालिटी होगी वो एकदम क्लियर आएगी। ओके सो ये करना है, एंड DPI जो 60 रखना, और जो गेम सेटिंग की बात करेंगे तो HD 720p एंड डिस्प्ले क्वालिटी ऑटो रखना है। अभी मैं इंटरनल सेटिंग आपको गाइज बता देता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहली बात गाइज आती है वो है आप गाइज HDMI यूज़ कर रहे हो या VGA केबल यूज़ कर रहे हो। तो गाइज आप HDMI यूज़ कर रहे हो तो आप 1920 ही रखना, क्योंकि वही बेस्ट रहेगा, VGA केबल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वो, मतलब मेरा खुद का VGA केबल है तो इसके लिए जो मेरी क्वालिटी जो है मेरे को इतनी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती, ठीक है। सो वो एक आपके प्रॉब्लम जो है सामने आ सकता है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स जो है आपको HD रखना है, एंड फ्रेम रेट जो आपको एक्सट्रीम रखना है, मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ वही आपको करना है गाइज। स्टाइल जो आपको कलरफुल करना है, एंटी अलियासिंग आपको डिसेबल करना है, एंड शेडोज जो है आपको एनेबल करके ब्राइटनेस 100 रखना है, एंड ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स आपको डिसेबल करना है कर सकते हो। एंड गाइज अब भी बात सुन लो गाइज, नेक्स्ट वीडियो जो आपको रेंडरिंग इशू के ऊपर आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसके अंदर रेंडरिंग इशू जो हो रहा है सबका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अभी गाइज जो मैं आपको गेम प्ले बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं FPS के साथ आपको गेम प्ले बताऊंगा। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पे आती है वो है कि मैं पहले अभी मेरा सेटिंग जो है मैंने जो अभी तक किया नहीं है, तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ, क्योंकि मैं भी मैंने जो है स्मार्ट मोड किया था उसको मैंने सेव नहीं किया है, तो मेरे को जो पहले उसको सेव करना पड़ेगा। एंड देखो इसको मैंने सेव नहीं किया, तो इसको मैं सेव करता हूँ, एंड जो रिस्टार्ट हुआ था एमुलेटर को, एंड फिर से मैं जो आपके साथ आता हूँ, तो जल्दी से आता हूँ गाइस, पॉज करता हूँ वीडियो में। सो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो FPS है वो 38
39, 41 लगभग जो है FPS काफ़ी सही आ रहे हैं, यानी कि जो है मेरे साथ ही साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ एंड गाइस जो स्मार्ट मोड के साथ जो इतने FPS आ रहे हैं 43 तक अभी लेटेस्ट गए थे एंड मैं अभी जब फिक्स यूज़ करता था 100% गाइस 60 FPS तो आते ही आते थे, पर फिलहाल तो 60 FPS नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो है मैं GFX टूल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट आप गाइस जो स्मूथ गेम प्ले देख सकते हो वो आपके सामने गाइस, स्मूथ गेम प्ले एकदम स्मूथ। एंड देखो मैं भी FPP के साथ खेलता हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस, आप देख सकते हो देखो कितना स्मूथ चल रहा है गेम। तो यहाँ पे आप जितना स्मूथ चाहिए गाइस उतना कर सकते हो। अभी जो बीच में आवाज़ आ गया गाइस एकदम नॉर्मल सा साउंड का, जो ऐसे एकदम बीच में आवाज़ आए उसका भाई मेरे को फिक्स करना गाइस, पर मेरे को आज तक उसका फिक्स नहीं मिला, बट मैं जल्दी से उसका भी फिक्स लेके आऊँगा गाइस, मतलब उसका जो है लाइक फिक्स लेके आऊँगा। तो मे बी गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। तो जल्दी से यार क्रॉस नहीं करने वाले, 5000 सब्सक्राइबर आने वाले हैं, तो जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी तक आपने जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना गाइस, एंड मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स जब हमारे 500 फॉलोअर्स हो जाएंगे उसके बाद जो है मेरे फोटोज़ करना मतलब अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल तो मैं फोटोज़ मेरे अपलोड नहीं करता, बट 500 फॉलोअर्स के बाद मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या तो आप डायरेक्टली जाके इंस्टाग्राम का हैंडल में आपको बता रहा था गाइज crown.gamer_yt जाके आप सर्च कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर